अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कुरान की रोशनी में एक छोटा सा रिमाइंडर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अल्लाह सुबहान ताला ने सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 33 में फरमाया है, वसख्खर लकुम अल-लैल वन-नहार एंड ही हैज सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड द डे। तो यहाँ पे अल्लाह सुबहान ताला जो है रात और दिन को डिस्क्राइब करता है। तो रात और दिन के बारे में अगर हम सोचें तो रात और दिन एक के बाद एक आते हैं, और एक जाता है फिर दूसरा आता है, दूसरा जाता है फिर पहला आ जाता है। तो ये जो मिसाल है रात और दिन का, ये हमारे लाइफ में अगर हम देखें तो ये खुशी और गम की तरह है जो हमारे ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। हमें कभी कभी हम खुशी होती है, कभी कभी गम आता है। तो ये जो है सिलसिला चलता रहता है हमारी ज़िंदगी में, जैसे रात और दिन का सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, कभी कभी जो है हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे धूप जो है 12 बजे बहुत कड़ाके की धूप पड़ती है, और वैसे ही कभी कभी हम गम में ऐसे घुल हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखता ही नहीं। जैसे कि रात में जो है अगर आप सड़क पर जाओ तो आपको कालेपन में कुछ नहीं दिखता, वैसे ही रात और दिन जो है वो खुशी और गम जैसे हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी खुशी आती है तभी भी अल्लाह सुबहान ताला के हुक्म का फरमान करना है, और जब भी गम आते हैं तभी भी अल्लाह सुबहान ताला को भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग खुशी में तो गम में तो याद रखते हैं बट खुशी में भूल जाते हैं, या खुशी में याद रखते हैं गम में भूल जाते हैं। तो हमें जो है अल्लाह सुबहान ताला को दोनों टाइम में याद रखना है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना में बहुत सारे हमारे आसपास के लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ा गम का पैगाम, गम का माहौल है। तो यहाँ पे भी हमें जो है अल्लाह सुबहान अल्लाह को भूलना नहीं है, हमें उन्हें याद रखना है और हमारे दोस्तों को भी बताना है। हम जो है जैसे अगर सूरह अलम नशरह में अल्लाह सुबहान ताला फरमाता है, इन्नमा अल उसरी यसरा, बेशक मुश्किलात के साथ आसानी है, बेशक और मुश्किलात के साथ आसानी है। वैसे ही आज जो मुश्किल वक्त चल रहा है हमारे साथ, उसके साथ आसानी भी ज़रूर आएंगी, ये जो है अल्लाह सुबहान ताला फरमा रहा है। तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर आप सभी के लिए। थोड़े लोग जो हैं खुशी होती है तो खुशी में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, और थोड़े लोग जब भी गम आता है तो गम में इतने मगन हो जाते हैं कि सुसाइड जैसे थॉट्स भी दिमाग में आने चालू हो जाते हैं। तो सुसाइड से जो लोग ऐसे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं तो उनको तो ज़रूर ब ज़रूर ये आयत हम पे गौर करना है। जैसे रात और दिन एक के बाद एक आते रहते हैं, वैसे ही खुशी के साथ गम, गम के साथ खुशी आते रहते हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन आयतों में थोड़ा सा गौर करें और हमें जो है खुशी और गम दोनों को साथ लेकर चलने की ताकीद दें।